हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो क्लास है ये जीव विज्ञान की क्लास है। जीव विज्ञान में देखेंगे हम आज बैक्टीरिया और जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। अब ये जो टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको इसके एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से देखेंगे, एक एक चीज को पूरा देखेंगे। और कौन सा जो इसके पॉइंट है ऐसा जो बार बार रिपीट होता रहता है, पिछली एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो हम यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट ये स्टार्ट करेंगे बैक्टीरिया। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि से आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि से आपको इस टाइप से क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करें। और यहाँ पर नाम है टॉपिक का जीवाणु बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो बात करेंगे जीवाणु है, इसकी संरचना के बारे में आज पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, संरचना इसके अंदर क्या क्या है, क्या किस तरीके से है, क्योंकि जीवाणु के ऊपर बेसिक क्लास एक पहले ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसको पहले वहां पे जाके चैनल पे जाके जरूर देखें, स्टडी राज 25। तो वो क्लास कंप्लीट देखने के बाद में, वो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आप इसको से की देखोगे तो बहुत ही से एक अच्छी तरीके समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक पूरा कंप्लीट मैंने समझाया, उसमें एक एक चीज पूरी बारीकी समझाई है। ठीक है, तो यहां पर से कि ध्यान दें और बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखते रहें। यदि आप एनटीपीसी एसएससी या फिर ग्रुप डी या जेल भरने की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आपके लिए, क्योंकि उसे मैं उससे कि एनटीपीसी में जो सिलेबस है और एमपी पुलिस में जो सिलेबस है, बाकी अदर स्टेट की जो भी एमपी पुलिस की और अदर स्टेट की जो पुलिस की एग्जाम होती है उसमें भी ये टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले संरचना की बात करेंगे। ठीक है, संरचना से आज स्टार्ट होगा, मतलब सेकेंड पार्ट है आज का। ये जो पार्ट है, ये जो क्लास है वो कौन सी है, जीवाणु के ऊपर सेकेंड क्लास है, सेकेंड लेक्चर। ठीक है, तो संरचना मतलब उसकी बनावट। संरचना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे संरचना लिखा मतलब इसकी बनावट। किसकी बनावट, यहाँ पे जो जीवाणु है इसकी बनावट। तो जीवाणु की जो बनावट होती है वो किस प्रकार से होती है और कैसे बनती है। ठीक है, तो इसका जो आकार होता है उसके बारे में तो डिटेल में आगे चलकर आपको बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे देख लो, नॉर्मली एक कैप्सूल के आकार की होती है। ठीक है, एक कैप्सूल जो दवाई के रूप में कैप्सूल आती है उस आकार की होती है। अलग अलग आकार भी उसके होते हैं, गोल भी होता है, चढ़ाकार भी होता है। ठीक है, कोमा का आकार भी होता है, लेकिन अभी केवल यहाँ पे यही देखें और जो अभी मैं जो पॉइंट में बता रहा हूँ बस उसी को केवल देखें, बाकी एक एक पॉइंट पूरा आएगा आगे। ठीक है, तो इसका जो पूरा संरचना है, इसका शरीर है पूरा, वो किससे, केवल एक ही कोशिका से बना होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु का जो शरीर है, इसकी बॉडी एक ही कोशिका से बनी होती है। क्लियर, इतना याद रखना सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ हमारा कि कोई भी से जीवाणु है तो उसका जो शरीर होता है, उसकी शरीर की जो संरचना होती है वो किससे होती है, केवल एक ही कोशिका से मिलके होती है या फिर एक ही कोशिका से मिलके ये बना होता है। कितना क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति कहां पर होती है, तो ये जो यहाँ पे जीवाणु है, इस जीवाणु के ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है मतलब परत होती है, परिधि मान लो उसको। ठीक है, तो सबसे ऊपर की जो परत है ये वाली जो लाइन है। ठीक है, तो सबसे ऊपर की लाइन इसको क्या बोलेंगे हम, कोशिका भित्ति। ये क्लियर, और कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की साइड की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। तो इस तरीके से यहाँ पे एक कोशिका भित्ति होती है और दूसरी उसी के नीचे प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो सबसे पहले बात कर ले हम किसकी, कोशिका भित्ति की। क्लियर, तो कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति जीवाणु में सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, जो उस जीवाणु का सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ये है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है
तो यहाँ पे आपको बता दूं ये कोशिका जो भित्ति है ये वाली, ये काइटिन की बनी हुई है। किससे? काइटिन, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखने वाला जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है इसका, ये काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपको, से बहुत ज्यादा से कि वो मतलब जो अपने लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बस वही पॉइंट बताऊंगा, बहुत ज्यादा से अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने को एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोशिका भित्ति के बारे में ये देख लिया, ठीक है। कोशिका की सबसे बाहरी परत या फिर जीवाणु की सबसे बाहरी परत जो काइटिन की बनी होती है, ये क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी? कोशिका झिल्ली की, ठीक है। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, और कोशिका झिल्ली कहाँ पर होती है? तो यहाँ पे देखो, ये जीवाणु है, इसके सबसे ऊपर कोशिका भित्ति, इस कोशिका भित्ति के नीचे की साइड जो होती है परत, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये है प्लाज्मा झिल्ली, कहाँ पर? कोशिका भित्ति के नीचे। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति के नीचे, और ये किससे लिख देता हूं मैं, कोशिका भित्ति के नीचे होती है, ठीक होती है, ये होगा। अब इसके बाद में इसका एक पॉइंट तो यहां पे ये कंप्लीट हुआ, उसके बाद में सेकेंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये किससे बनी होती है। जैसे कोशिका भित्ति जो रहती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक, काइटिन की बनी होती, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती? ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती? ये प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। किससे? प्रोटीन और फास्फोलिपिड। देखो यहां पे इसका दूसरा पॉइंट है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड, ठीक है। तो दोनों का हुआ, कोशिका भित्ति का हो गया, काइटिन की बनी होती है, सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। उसके बाद में कोशिका झिल्ली बोलो या फिर प्लाज्मा झिल्ली इसमें ले लो, ठीक है, ये काई की बनी होती है, प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद में ये कहां पर होती है? तो कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे की साइड, मतलब अंदर की साइड होती है कोशिका ये झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये तो ये क्या करती है? इसके अंदर जो से कि पदार्थ है, जो द्रव है, उसकी रक्षा करती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। तो इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक, तो यहाँ पे ये जो केंद्रक है इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, और इसमें केंद्रक किस प्रकार का पाया जाता है या केंद्रक कैसा होता है यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। तो जो जीवाणु होता है, ये मैंने से आपको सबसे पहले जो बेसिक क्लास पूरी बताई उसमें मैंने बताया था, यह एक प्रोकैरियोटिक जीव होता है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक जीव। और किस किंगडम के अंतर्गत आता है, किस जगत का जीव है ये? तो ये मोनेरा जगत का जीव है। फिर से यूकैरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक जीव है और मोनेरा जगत के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। और एक केवल एक ही कोशिका से मिलकर ये बना होता है, इतना याद रखना है। तो जब कोई भी प्रोकैरियोटिक जीव की बात होती है तो उसमें केंद्र प्राथमिक होता है, मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमरी न्यूक्लियस उसको बोलेंगे जिस केंद्र का या जिस न्यूक्लियस का विकास सही तरीके से नहीं हुआ हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि केंद्रक का विकास यहाँ पे सही तरीके से नहीं हुआ है, सुविकसित केंद्रक नहीं, या सुविकसित केंद्रक का अभाव है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी न्यूक्लियस, प्राथमिक केंद्रक, प्राथमिक केंद्रक, या बोलते हैं अल्पविकसित, ठीक है। ये यहाँ पे केंद्र के बारे में देख लिया, ये
जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से कई बार से ये वाले जो पॉइंट आए हुए हैं यहाँ पे, ये कोशिका झिल्ली वाला ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे केंद्रक की बात होगी, प्राथमिक केंद्रक होता है मतलब सही तरीके से उसका विकास नहीं हो चुका होता है, मतलब विकसित अवस्था में होता है या फिर से कि बिल्कुल अविकसित मान सकते हैं, ऐसा केंद्रक होता है। इसीलिए उस केंद्रक के ऊपर मतलब ये केंद्रक है, मतलब इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो झिल्ली इसमें जीवाणु में मतलब बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली बैक्टीरिया के अंदर अनुपस्थित रहती है, क्लियर है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, लिख देता हूं यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, झिल्ली का अभाव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है केंद्रक के बारे में, इतना ही केवल ध्यान रखना है। उसके बाद में अब ये जो अभाव यहाँ पे लिखा है, अभाव मतलब से कि जो पॉइंट है अभाव वाला, इसमें इसकी बात करेंगे इसमें किन किन चीजों का या किन किन से पदार्थ का या जो से अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा इनमें किन पॉइंट्स की कमी है, ठीक है। कौन से अंग है जो इसमें नहीं है और दूसरे में है, यूकैरियोटिक में जो अंग है और ये जो प्रोकैरियोटिक है इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो कौन से है, तो वो सबसे पहले देख लो, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, ठीक। इसमें क्या है, पॉलीसोम है, मिसोसोम है और राइबोसोम है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है, जैसे कि दूसरे जीवों की बात करें उसमें माइटोकांड्रिया भी होता है, उसमें लाइसोसोम भी होता है, ठीक है। उसमें अंतः प्रदर्भ में झिल्ली भी होती है, तो इसमें न तो लाइसोसोम है न ही माइटोकांड्रिया है न ही अंतः प्रदर्भ में झिल्ली है, ठीक है। अंतः प्रदर्भ में झिल्ली नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें जो अभाव की बात करेंगे तो माइटोकांड्रिया वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी, ठीक। देखो अभाव में देखो, यहाँ पे सबसे पहले माइटोकांड्रिया इसका अभाव होता है, नहीं होता है। उसके बाद में क्या नहीं होता है, दूसरा लाइसोसोम। इस तरीके से यहाँ पे इनका ही अभाव होता है, ठीक है। तो ये बातें से कि याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि बैक्टीरिया है, इसमें एक एक पॉइंट पूरा आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बात करें गमन की, तो गमन मतलब से कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से गमन करते हैं, ठीक है। इनका स्थानांतरण कैसे होता है, जैसे कि मनुष्य वो अपने पांव के द्वारा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, ठीक है। और अब इसकी बात करें तो इसका गमन कैसे होता है, इसके तो पांव है नहीं, एकदम सूक्ष्म जीव है, तो कैसे गमन करेगा। तो यहाँ पे ये जो गमन करेगा, ये जो इसके ऊपर रोम है, ये रोम का मतलब होता है इसके बारीक बारीक रोई जैसा, मतलब एक प्रकार से बारीक बारीक इसके यहाँ पे बाल, ठीक है, रोए। तो ये जो रोम है, इस रोम की मदद से वो जो जीवाणु है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है या फिर अपना स्थान बदलता है सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे गमन, तो गमन किससे होगा, रोम से, मतलब उसके त्वचा के ऊपर जो बाल है उससे, ठीक है। और रोम के बाद में फिर एक और चीज है, यहाँ पे देखो कशाभिका, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये कशाभिका मतलब से कि जो बाल है इस टाइप की एक संरचना इसके शरीर के ऊपर बनी होती है, ठीक है, जैसे लाइन टाइप की है इस तरीके से। तो ये भी इसको चलने में मदद करती है, किसको, जीवाणु को। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कशाभिका, ठीक है, कशाभिका इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखना है, कशाभिका, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट हुई, गमन किससे, रोम से और कशाभिका से, इन दो अंगों की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये चीजें आपको कंप्लीट हुई। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं कि इसके जो लक्षण है जीवाणु के, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या इसकी पहचान है। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है ये पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सके तो इसको नोट डाउन कर लें, ताकि इसे बार बार आपको इसे की वीडियो ढूंढने की देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे,
अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसके देखेंगे इनके लक्षण, लक्षण क्या क्या है, ठीक है, इनके क्या क्या गुण है। तो यहाँ पे देखो सबसे सरलतम जीव, ठीक है, विषाणु के अलावा, विषाणु थोड़ा सा जटिल है, विषाणु के अलावा सबसे सरलतम जीव है क्या, जीवाणु, ठीक है। उसके बाद में सभी स्थानों पर उपस्थित, इसका मतलब ये है कि जीवाणु चाहे धूल हो, मिट्टी हो या पानी हो या फिर मानव शरीर हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थान पर कितना भी तापमान हो, कितनी भी ठंड हो, हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सभी स्थानों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला, एक कोशिकीय जीव, ये तो बता ही दिया मैंने अभी कि ये एक कोशिकीय जीव, ठीक, सिंगल कोशिका से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो ये एकल या समूह में, तो जीवाणु होते हैं या तो वो सिंगल होते हैं, मतलब एकल ही होते हैं, अकेले होते हैं, या फिर बहुत सारे मिलके समूह में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये, ठीक है, वैसे इसे मान लो से कोई एक जानवर है, कभी कभी कोई अकेला रहना पसंद करता है या अकेला ही रहता है, बहुत सारे कोई कोई से जानवर ऐसे रहते हैं जो से झुंड में रहते हैं एक साथ में, ठीक है। तो सेम इसी टाइप से ये भी से जीवाणु है, जीवाणु अकेला रहता है या फिर समूह में रहता है, क्लियर। अब परजीवी, अब इसी अगला जो पांचवा पॉइंट है इसकी हम बात करेंगे, तो ये जो सी जीवाणु होता है ये परजीवी भी होता है, सहजीवी भी होता है और मृतोपजीवी भी होता है, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखना है। तो परजीवी मतलब से कि भोजन के लिए किसी और पर आश्रित रहने वाला जीव क्या कहलाता है, परजीवी, ठीक है। उसके बाद में सहजीवी मतलब किसी और के शरीर में रह के भोजन प्राप्त करना और उस व्यक्ति को या उस जीव को भी नुकसान न पहुंचाना, मतलब जिसके शरीर में है जीवाणु वो उसको भी प्रॉफिट दे रहा है और वहां से उसको जीवाणु को भी भोजन मिल रहा है। तो इस तरीके से का जो जीव होता है उसको बोलते हैं सहजीवी, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके बाद मृतोपजीवी, इसका मतलब लगभग आप समझ ही गए होंगे, मृतोपजीवी मतलब से ऐसे जीवाणु जो किसी मरी हुई या किसी कोई जीव जंतु मर जाता है उससे भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे कोई जीव जंतु मरा है तो उसको सड़ा, ऐसे के सड़ाने गलाने में जो काम होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये पांचवा पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये है जनन, ठीक। लास्ट पॉइंट है जनन, जनन की बात आती है जो किसी के प्रत्येक जीव में होता है ये क्रिया, ठीक है। तो इसमें जनन कैसे होता है, तो इसमें देखो इसमें जनन कैसे होता है, तो यहाँ पे जनन इसमें न ही समलैंगिक होता है, न ही अर्ध से कि अर्धसूत्री समसूत्री किसी प्रकार से नहीं होता है, ठीक है। तो न अर्धसूत्री होता है न समसूत्री होता है, ये दोनों काई में होता है, तो ये यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। और अपने को पता है कि यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। तो इसमें जो जनन होता है वो कैसे होगा, विखंडन के द्वारा, मतलब एक ही जीवाणु की जो कोशिका है वो दो भागों में टूटेगा, एक ही जीवाणु से दूसरा जीव बनता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जनन होता है और इनकी संख्या बढ़ती है, ठीक। तो क्लियर है यहाँ पे इतना। उसके बाद में अब देखते हैं हम आकार, आकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसका आकार, ठीक है, जीवाणु का आकार कैसा होगा, जीवाणु का आकार किस तरीका का होगा, किस मतलब गोल होगा या फिर कैसा होगा, सर्पिलाकार होगा, ये देखेंगे। तो यहाँ पे इसके जो आकार की बात करेंगे तो इसके आकार कितने, चार आकार, चार प्रकार के, ठीक है। आकार कितने पर ये प्रकार के होंगे, चार प्रकार के होंगे, कौन कौन से, सबसे पहले है शकवत, शलाकवत, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है, शलाकवत। अब ये शलाकवत जो शब्द है इसको जब सुनते हैं तो इसे कैसा लगता है कि ये पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, क्या है इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये चढ़नुमा होगा, ठीक है, एक चढ़ के आकार का होगा या फिर बेलनाकार, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है चढ़नुमा या फिर बेलनाकार, जिसको हम बोलते हैं क्या, शलाकवत। तो ये शब्द का ध्यान रखना, कभी मान लो से ये ऑप्शन में आ गया और अब पता नहीं चला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। और शलाकवत के चढ़नुमा या बेलनाकार जो जीवाणु होता है वो कौन सा जीवाणु होता है, किसी एक जीवाणु का नाम से के देखेंगे हम यहाँ पे। तो कोई एक जीवाणु है, तो जीवाणु का नाम क्या है, बेसिलस एंथ्रासिस, क्या है, बेसिलस एंथ्रासिस। तो यहाँ पे जीवाणु का नाम भी
कोशिश करना याद रखने की, बाकी से कोई इतना बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना अपने को, लेकिन ये जरूर याद रखना कि छठ नुमा होता है बेलनाकार होता है जिसको हम शराकवत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार होता है इसका गोलाकार, ठीक है। दूसरा क्या है, गोलाकार, तो गोलाकार भी आकृति होती है इसकी। और ये जो गोलाकार जो इसकी जीवाणु होगा वो सबसे छोटे प्रकार के होंगे, मतलब सबसे सूक्ष्म होंगे। जीवाणु में जितने भी जीवाणु होंगे उनमें सबसे छोटे वाले जीवाणु किसे होंगे, वो होंगे गोलाकार, ठीक। उसके बाद में अगला जो आकार है इसका वो सर्पिल आकार, स्पाइरल के रूप में होते हैं, जैसे क्रीम रोल होता है तो इस तरीके से सर्पिल आकार होता है, ठीक है। ये है, और फोर्थ लास्ट है कोमाकार। इसका इसमें से कोमाकार वैसे जैसे अपन कुछ भी लिखते हैं और बीच में कोमा लगाते हैं, ठीक है, तो ठीक कोमा के आकार का जो जीवाणु होता है उसे हम क्या कहेंगे, कोमाकार। तो कोमाकार जीवाणु कौन सा है, तो ये विब्रियो कोमा, ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कोमा, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, कभी मान लो सामने आ गया तो उसे की आंसर लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे जीवाणु से संबंधित जितना भी डाटा था वो सही तरीके से देखा, एक एक चीज पूरी हमने देख ली, ठीक है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है कि इससे होने वाले जो रोग है कौन कौन से हैं, इससे क्या प्रॉफिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये पूरा देखेंगे, इससे होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग और विषाणु से होने वाले रोग, ठीक है। और बस यहाँ पे इसी क्लास को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।